चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए पढ़ते हैं विटामिन के बारे में। देखिए विटामिन जो होता है दो वर्ड से मिलकर बना होता है। पहला होता है विटामिन, बीटा और एमिन, पहला क्या होता है बीटा, बीटा और दूसरा होता है एमिन। ठीक है, बीटा मतलब होता है जैविक होता है, जैविक मतलब ऑर्गेनिक होता है। ठीक, और एमिन जो होता है एनएच ग्रुप के होता है, एमिन ग्रुप का होता है। ठीक है, तो बीटा अमीन जो है दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला क्या है विटामिन मतलब जैविक होता है, एमिन मतलब एनएच होता है। मतलब कुछ वैज्ञानिकों का कहना था कि विटामिन जो है एमिन ग्रुप का है, लेकिन बाद में क्या होगा कि विटामिन जो है एमिन ग्रुप का नहीं है, ये आपको गलत साबित हो गया। ठीक है, तो विटामिन का जो क्या डेफिनेशन होता है, विटामिन जो होता है हमारे शरीर में क्या करता है, जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मतलब कि हमारे शरीर में होने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों से ये क्या करता है, विटामिन प्रोटेक्ट करता है। ऐसे तो विटामिन को हम लोग अध्ययन के आधार पर दो भागों में विभाजित करते हैं। विटामिन जो होता है इसके कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। पहला जो होता है वसा में घुलनशील विटामिन, तो वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो वाटर सॉरी फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई और विटामिन के होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं विटामिन ए होते हैं, बी होते हैं, ई होते हैं और के होते हैं। दूसरा जो होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं विटामिन डी होते हैं और विटामिन सी होते हैं। ठीक, और एक विटामिन बी ट्वेल्व भी होता है। विटामिन आपको बी ट्वेल्व जो होता है वो क्या होता है आपको सॉरी विटामिन बी ट्वेल्व जो होता है फैट सॉल्युबल होता है। विटामिन बी ट्वेल्व जो होता है वो क्या होता है फैट सॉल्युबल विटामिन जो होता है। ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन यानी वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं विटामिन बी होते हैं और विटामिन सी होते हैं। देखिए अब ये विटामिन जो होते हैं जैसे हम लोग क्या करते हैं सारी चीजों को भोजन के साथ जब हम ग्रहण करते हैं उसमें से कार्बोहाइड्रेट जो होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन अलग होता है, स्टोर अलग होता है। ठीक है, उसी तरह आपको विटामिन का जो स्टोर होता है वो कहाँ पर होता है, विटामिन का स्टोर जो होता है वो लीवर में होता है। कहाँ पर होता है, लीवर में होता है। क्वेश्चन बनता है कि विटामिन का जो स्टोर होता है वो कहाँ होता है, विटामिन का स्टोर कहाँ होता है लीवर यानी यकृत में होता है। कहाँ होता है यकृत में होता है, कहाँ होता है यकृत में होता है। ठीक, और दूसरी चीज ये आता है कि स्टोर रूम ऑफ वुमन बॉडी, मतलब हम लोग क्या करते हैं एक घर बनाते हैं जिसमें हम लोग घर का पूरा जो सामान होता है अवांछनीय चीजें जो होते हैं उसको स्टोर रूम में रख देते हैं। तो हमारे शरीर का जो स्टोर रूम होता है वो कौन सा जगह होता है, तो हमारे शरीर का जो स्टोर रूम होता है वो लीवर होता है। लीवर में सभी चीजों को क्या होता है स्टोर करते हैं। अब आता है विटामिन के बारे में, विटामिन जो होते हैं कितने होते हैं, विटामिन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और उनका जो डिस्कवर्ड है कौन कौन किया था। ठीक है, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट अगले चैप्टर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहां से आपका क्वेश्चन राइज होता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई और विटामिन के होते हैं। और एक और नया बच्चे जुड़ गया, विटामिन बी ट्वेल्व जो होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं और वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं विटामिन बी होते हैं और विटामिन सी होते हैं। तीसरी चीज ये आता है कि स्टोर रूम ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन होता है, स्टोर रूम ऑफ ह्यूमन बॉडी लीवर होता है। ठीक है, और ऑल विटामिन स्टोर जो होते हैं वो कहाँ होते हैं लीवर में होते हैं। कहाँ होते हैं लीवर यानी यकृत में होते हैं। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं कि विटामिन जो होता है जितने भी विटामिन होते हैं उनका डिस्कवर कौन किया था और वो विटामिन जो होते हैं उनका केमिकल नेम क्या होता है, ये सभी चीजों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि विटामिन टर्म जो है, विटामिन टर्म जो है किसने दिया था, विटामिन टर्म जो है फंक ने दिया था। ठीक है, विटामिन टर्म जो है किसने दिया था, फंक ने दिया था। कब दिया था, 1911 ईस्वी में दिया था। ठीक, और विटामिन थ्री जो है हॉपकिंस ने दिया था। विटामिन थ्री कितने दिया था, हॉपकिंस ने 1912 ईस्वी में दिया था। विटामिन ए बी का डिस्कवर कौन किया था, मैकेलन ने किया था। क्या किया था, मैकेलन। ये आपको बता दें कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह से देखेंगे। ठीक, तो विटामिन ए बी का डिस्कवर जो किया था वो किसने किया था, मैकेलन ने किया था। और विटामिन सी का डिस्कवर कौन किया था, होल्कर ने किया था। विटामिन सी का डिस्कवर कौन किया था, होल्कर। और विटामिन बी का जो डिस्कवर किया था उसका नाम क्या था, हॉकिंस था।
विटामिन के का डिस्कवर कौन किया था? डॉ एंड डोजे। इसने किया था विटामिन के का डॉ एंड डोजे ने किया था। विटामिन ई जो है, विटामिन ई का डिस्कवर कौन किया था? इवेन और वाइशर। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अभी हम लोग किस पे चल रहे थे? ह्यूमन न्यूट्रिशन में चल रहे थे। तो आज मैंने आपको बताया कि ह्यूमन न्यूट्रिशन जो होता है वो क्या क्या होता है, कि हम लोग जो भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं या खाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद पोषण के रूप में, भोजन के रूप में जो चीज हम ग्रहण करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सभी चीजों का हम लोग क्या करते हैं? भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि विटामिन जो होते हैं उसके कितने प्रकार होते हैं। विटामिन के प्रकार जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फैट सोलुबल विटामिन होता है, दूसरा जो होता है वाटर सोलुबल विटामिन होता है। तो फैट सोलुबल विटामिन जो होते हैं ए डी के एंड बी ट्वेल्व होता है, और वाटर सोलुबल विटामिन जो होता है विटामिन सी और विटामिन डी और विटामिन सी होता है। और बात यह आता है कि जितने भी विटामिन होते हैं उनका स्टोर कहाँ पे होता है, तो उसका स्टोर जो होता है कहाँ पे होता है? लीवर में होता है। और इस लीवर को स्टोर करने के कारण ही इसको क्या कहा जाता है? स्टोर रूम ऑफ ह्यूमन बॉडी कहा जाता है। और यहाँ पे हम लोगों ने विटामिन के बारे में सबके अलग अलग जो भी डिस्कवर किए हैं उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, ठीक है। तो विटामिन टर्म्स सबसे पहले विटामिन टर्म्स को किसने दिया था? फॉर्म ने दिया था 1942 के लिए। विटामिन छिटी किसने दिया था? हॉपकिंस ने दिया था 1942 के लिए। और विटामिन ए बी का खोज कौन किया था? मैकलन ने किया था। विटामिन सी का खोज कौन किया था? होल्कर ने किया था। विटामिन डी का खोज कौन किया था? हॉपकिंस ने। और विटामिन के का जो खोज किया था उसका नाम था डॉ और डोजे। और विटामिन ई का अगर खोज किया था उसे इवेन और पाउश के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी हो गया आपके डिस्कवर एंड विटामिन के बारे में, विटामिन, ठीक है। आगे हम चर्चा करेंगे कि विटामिन जो होता है उसका केमिकल नेम क्या होता है और उसके कौन कौन से सोर्सेस हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।